हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो होने वाली है मॉक टेस्ट के बारे में, कि मॉक का स्कोर मैं शेयर करूँगा कि जो कल मैंने मॉक दी उनके मेरे क्या अगर स्कोर्स आए हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स लगाए हैं कल, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ऑलीबोर्ड का ही ट्राई कर रहा था, तो अब मैंने ट्राई करें कुछ अलग अलग मॉक्स, दिखाता हूँ सबके स्कोर्स कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑलीबोर्ड का मॉक लगाया, ये आपका है मॉक नंबर 4 ऑलीवुड का 2022 का। ये एडवांस्ड वाला लेवल है, दो लेवल होते हैं, एक सिंपल वाला होता है, साथ में एडवांस्ड भी होता है। तो मॉक नंबर 4 एडवांस्ड है, स्कोर देख सकते हो 73 मार्क्स आए हैं, रैंक आई 17 out of 16,000 ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी देखते हैं सेक्शन वाइज। इंग्लिश में आए मेरे 17 नंबर, 22 सवाल किए थे, 18 सही है, 4 गलत हो गए। ठीक है, कोई नहीं, ठीक नंबर होगी इसका, थोड़ा इंग्लिश अच्छे खासा लेवल की थी तो 17 नंबर आए इंग्लिश में। बाकी क्वांट की बात करते हैं, 27 नंबर आए हैं, कम हैं बट चलो पता नहीं। लॉजिकल रीजनिंग में 29 आया है, 29 सही किए थे, एक पजल छूट गई थी वो उसमें रह गई थी। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो यार कि मतलब ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, बुरे नहीं है इसमें नंबर, पर फिर भी क्या हो रहा है कि आप क्वेश्चन की ना सिलेक्शन नहीं कर पाओगे इसमें। IBS PO में सबसे मुश्किल है, SBPO में प्री में मुश्किल क्या चीज़ होती है, आप क्वेश्चन की सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। आप कभी सोच नहीं पाओगे कि DI आसान है कि अर्थमेटिक आसान है। जैसे पहले वाले पेपर्स में क्या होता था, अब तक ये चीज़ लग रहा था, ये लग रहा था हमें कि DI आसान आएगी, अर्थमेटिक थोड़ी मुश्किल आती है। तो सबसे पहले हम पैटर्न ही फॉलो करते थे कि सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स, उसके बाद DI, उसके बाद अर्थमेटिक, ये उसमें हो जाता, जनरली उसमें सेट बैठ रहा था। लेकिन अब बिल्कुल सेट नहीं बैठेगा, कोई भी आसान कोई भी मुश्किल हो सकता था। जितने क्वेश्चन DI के बनते हैं वो बना लो, जितने क्वेश्चन अर्थमेटिक के बनते हैं वो बना लो, जो क्वेश्चन बनता है बना लो बस, अब जो क्वेश्चन दिखता है जो बनता है बना लो, कोई इसमें मतलब दोबारा ना सोचो कि जो क्वेश्चन आपको छोटा लग रहा है, आसान लग रहा है, दिख के बना लो भाई जल्दी से, वेट मत करो बात की, बाद में टाइम मिले ना मिले किसको पता है, 20 मिनट ऐसे निकल जाते हैं, इतने लंबे लंबे सवाल होते हैं पता नहीं लगता है। ठीक है भैया, उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ठीक ठाक पजल्स हैं, मतलब अगर प्रीवियस ईयर देखें और जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी ठीक ठाक लग रहे हैं, ऑलमोस्ट सही लेवल के होते हैं, एग्जैक्ट लेवल होते हैं, तो ठीक लेवल के, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उस हिसाब से 29 बन रहे हैं, शायद एग्जाम में साथ ही साथ पजल बन जाए तो 35 भी बन सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये था आपको बताया मैंने मॉक नंबर 4 एडवांस का स्कोर। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट बुक का, दिया मैंने सबसे पहले ही मॉक है फ्री वाला, जो बिल्कुल होता है फ्री वाला मॉक था, और बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, 1,749,000 लोगों ने दे रखा है, 1,00,000 पीपल ऑलमोस्ट, और मेरी रैंक आई है 79। ठीक है, और फिर वही चीज़ है कि अगर सेक्शन वाइज देखें तो इंग्लिश में 22.5 आए और रीजनिंग में आए 33.75, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, और मैथ्स में फिर से आए 23.5। मैथ्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए आ रहे हैं, और इसमें 2 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए थे। कारण नहीं होता कि ज़्यादा स्पीड पकड़ते हैं तो एक बार गलत भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो वो चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो क्या स्कोर आया, 79.75 स्कोर आया और 79 रैंक आई है, बहुत आसपास ही है रैंक वो। ठीक है जी, कल मैंने एक और मॉक लगाया, ये मॉक था आपका गाइडली का मॉक था, मेमोरी बेस्ड मॉक है, आप ये देखो ये वाली डेट है 4 दिसंबर 2021 का मॉक है, और इसमें आप देखो मेरा स्कोर आया 81, रैंक आई मेरी 120 out of 76,000 पीपल। ठीक है, मतलब देखो आप फ्लक्चुएट करती रहती रैंक, कभी 99% आ रहा है, कभी 99.9 आ रहा है, कभी 98 भी आ रहा है, कभी 93% भी आएगा, मेरा आएगा गारंटी से आएगा। ठीक है, वो भी दिखा दूंगा आपको कल परसों तो पेपर हो जाएगा। मतलब एक मैं बताता हूँ आपको, RRB PO का मॉक था मेरा, उसमें मेरे 80 में से 46 नंबर आए थे, मुझे अभी भी याद है, 80 में से 46। ठीक है, तो पेपर थोड़ा आसान ही आता है, तो रैंक आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बस अपने पे भरोसा रखो और करते रहो प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें सेक्शन वाइज मार्क्स देख लो मेरे कितने कितने आए, 16 सही है, 4 गलत है, तो नंबर आया मेरे 15। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ें, मुश्किल थी इंग्लिश थोड़ी, ठीक है, और थोड़ी मेरी इंग्लिश एवरेज सी, ज़्यादा अच्छी मेरी इंग्लिश है नहीं, तो इसमें मेरे इतने नंबर आए, 6836 रैंक आई मेरी। बाकी क्वांट में देखें 31 सवाल कर दिए मैंने, काफ़ी इसमें अच्छा चला गया था, तो 31 के 31 सही हैं, कोई गलत नहीं है, तो यहाँ पर आए 31 नंबर, रैंक आई 14 सेक्शनल वाइज। रीजनिंग में सारे पजल्स बन गई थी तो सब बन गया था, तो 35 सवाल बिल्कुल सही हैं, 35 के 35, और मार्क्स आए 1। ठीक है जी, ये तीसरा मॉक था। उसके बाद लास्ट मॉक था, ये था ऑलीवुड का 3rd वाला मॉक है, ये भी एडवांस्ड वाला है, सिंपल वाला नहीं है। इसमें स्कोर दिखाता हूँ आपको, 78 मार्क्स आए इसमें और रैंक आई 31 out of 22,000 पीपल। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेक्शन वाइज, तो इंग्लिश में आया 26 नंबर, ऐसा पहली बार हुआ, इतनी अच्छी इंग्लिश हुई है, 26 के 26 सही हैं। क्वांट में आए 27 नंबर, 27 क्वेश्चन किए थे, 27 सही हैं, बिल्कुल सही हैं, कोई गलती नहीं इसमें। रैंक आई इसमें 21
और रीजनिंग में 30 सवाल कर दिए, 4 गलत हो गए, एक पजल गलत हो गई तो उसमें वो भी गड़बड़ हो गया, और एक तो छूटी गई थी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, 25 नंबर आया मतलब बुरे नहीं है, बट अगर ये अच्छे होते तो शायद ये मेरी 4-5 रैंक हो जाती आराम से। अगर मेरे ये पजल बन जाती और वो पजल बन जाती तो 4-5 रैंक हो जाती है आराम से, बहुत अच्छी रैंक हो जाती। चलो कोई ना, ये भी मार्क्स ठीक है। तो ये तो मेरे 4 मार्क्स के स्कोर, अगर आपने इसमें से कोई भी किया हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट करो नीचे। टेस्ट बुक वाला काफ़ी लोगों ने किया हुआ, आप कमेंट कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना रहा उसमें। ठीक है, बाकी यार ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। एक मैं वीडियो और डालूंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट किया जाए, किस तरह से आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, वो एक वीडियो डालूंगा, उसको ज़रूर देखना। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी वीडियो में अगली। जब तक के लिए बाय।